वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको होली के लिए एक मिठाई बताने वाली हूँ जो आप 2 मिनट से भी कम टाइम में बना सकते हैं और बिल्कुल कम सामान में। ये नारियल का बूरा है, इसका वीडियो मैंने अपने पहले शेयर कर रखा है और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी भेज दूंगी। और ये पेठा है, वही पेठा जो हम बाज़ार से लेके आते हैं, और ये वजन में आधा किलो है और ये 2 नारियल का बूरा है। बस हमें ये 2 ही चीज़ें चाहिए और हमारी मिठाई बन जाएगी। हम बना रहे हैं आज पेठे के लड्डू। जनरली पेठा ऐसे भी खाया जाता है, लेकिन जिसको ज़्यादा मीठा लगता है या जो शुगर पेशेंट्स हैं उनके लिए ये मिठाई ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि ये हम फीका बूरा मिलाएंगे इसमें तो इसकी मिठास कम हो जाएगी। इसके लिए हम ये एक ऐसा कद्दूकस लेंगे, इससे इस पेठे को ग्रेट करते जाएंगे। बस बहुत ईजीली ये निकलता जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, ज़रा सी देर में ये ऐसे निकलता जाएगा। बस सारे पेठे को हम ऐसे ही ग्रेट कर देंगे। आई ये पूरे पेठे को हमने ऐसे कद्दूकस कर लिया है, ये ऐसे बारीक बारीक लच्छे के रूप में बन जाएगा। अब इसमें हम ये एक कटोरी लेंगे, इसमें जो नारियल का बूरा था इसको इतना भर लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। इसको चम्मच की सहायता से अच्छे से मिला देंगे। अगर आपको लगता है कि ये अभी भी बहुत ज़्यादा गीला है तो थोड़ा सा हम इसमें नारियल का बूरा और ऐड कर देंगे, पर ये काफ़ी हो जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। कटोरी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, जो नारियल का बूरा लिया था, लेकिन ये अभी थोड़ा ज़्यादा गीला है तो हम इसमें आधी कटोरी और ऐड करेंगे और हाथ से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस मिठाई को बच्चे भी इजीली बना सकते हैं और फायरलेस कुकिंग में ये आसानी से बन सकती है। बिना घी तेल की मिठाई है तो आप किसी भी मौसम में बना सकते हैं और इसमें मिलावट का भी कोई डर नहीं है कि मावा है तो किस तरीके का होगा। बस इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। कुल 1.5 कटोरी हमने नारियल का बूरा मिक्स कर दिया है। अब ये इस तरह से हो गया है, ना ये ज़्यादा सूखा है और ना ज़्यादा गीला। अब इसमें से हम एक छोटा सा पोर्शन लेंगे। इसकी साइज़ आप अपने चॉइस के अनुसार रख सकते हैं, छोटी या बड़ी। मैं इस साइज़ के बना रही हूँ, तो बस ऐसे करते जाना है इसको और इसके एक साइड में रखते जाना है। सारी बॉल्स ऐसे ही बना लेंगे, फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। ये देखिए बहुत इजीली बन जाएगी। इस टाइम लगता है आपको कि ज़्यादा गीला है तो थोड़ा मिक्स कर लें, लेकिन 1.5 कटोरी भी काफ़ी हो जाएगा आधा किलो पेठे में। बस इसी तरह की हम एक साइज़ की बॉल्स बनाते जाएंगे। आप चाहे तो इसको लंबे शेप में भी दे देंगे, गोल बनाएंगे, इसके बाद इसको ऐसा लंबा कर देंगे तो ये आपके रोल की तरह हो जाएगा। शेप आप कुछ भी दे सकते हैं इसे, चाहे तो आप बिल्कुल ऐसे पेड़े की तरह भी बना सकते हैं। लड्डू, पेड़ा या रोल जो आपको सही लगता है आप वैसा बना सकते हैं। ये सारे हमने लड्डू बना लिए हैं, आधा किलो पेठा और 1.5 नारियल के बूरे से हमने ये इतने सारे बना लिए हैं। अब इसको हम अच्छी फिनिशिंग देने के लिए एक और प्लेट लेंगे और एक छोटी सी अलग प्लेट में ये नारियल का बूरा लेंगे। ये बिल्कुल फीका है, इसमें कुछ भी नहीं किया है हमने, बस इसको हल्का सा रोस्ट कर लिया है ताकि इसका फ्लेवर उभर कर आए। अब ये जो हमने लड्डू बनाए थे इसको लेके इसके ऊपर लपेट देंगे, इससे इसकी लड्डू की फिनिशिंग भी अच्छी हो जाएगी और हाथ में जो चिपचिपापन लगता है वो भी नहीं लगेगा। बस सब लड्डू ऐसे ही लेके इसमें राउंड राउंड करते जाएंगे, हाथ से एक्स्ट्रा वाला निकाल देंगे और ये रख देंगे। खाली भी खा सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा कि हम इसको उठाएंगे तो हाथ में जो हल्की सी चाशनी है वो लगती है, तो अब इस नारियल के बाद नहीं लगेगी और इसकी फिनिशिंग भी बहुत सुंदर दिखने लगेगी। बस सारे लड्डू को ऐसे ही लपेटते जाएंगे। आप चाहें तो इस टाइम पर नारियल में हल्का सा जो फूड कलर आता है वो भी ऐड कर सकते हैं, तो रेड, ग्रीन, येलो जो कलर बनाना चाहें वो बना सकते हैं, लेकिन मैं फूड कलर अवॉइड करती हूँ इसलिए मैंने इसे प्लेन ही रखा है। बस बहुत ईजी है ये, अभी इनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ना ये हाथ पे लगेंगे। सारे लड्डू हमने नारियल के बूरे में लपेट लिए हैं। अब आप भी एक बार सिंपल पेठे की जगह इस तरह के लड्डू बनाकर देखिए, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि कैसे लगे। हैप्पी होली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।